हाय फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना फ्रॉम evidyarthi.in। आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये सीरीज बनाई है। इसमें हम इंग्लिश टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। टेंसेस क्या है? इट्स ऑल अबाउट टाइम। ओके, किसी भी एक्शन का टाइम क्या है, टेंसेस हमें ये दिखाते हैं। और इस टाइम को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी चल रहा है, जो एक्शन अभी हो रहा है। पास्ट मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है। एंड फ्यूचर जो आने वाला है, जो होने वाला है, राइट? तो इस सेशन में हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी दो टेंसेस हैं। प्रेजेंट में देयर इज वन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड अनदर वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस सेशन में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग कैसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, लाइक आई वर्क। वर्क वर्क जो है, वर्क की ओरिजिनल फॉर्म है, यही हम लोग यूज करते हैं। किन किन के साथ? आई, वी, दे एंड यू, इसके साथ आएगा। सबके साथ वर्क, ओरिजिनल फॉर्म वर्क की, आई वर्क, वी वर्क, दे वर्क, यू वर्क। ओके, एंड थर्ड पर्सन के साथ हम लोग वर्ब में एस एड करेंगे, लाइक ही, शी और इट के साथ हो जाएगा works। He works, she works, it works। Okay? तो ये है present simple tense, जिसमें verb verb की original form आएगी और third person के साथ he, she, it के साथ वर्ब प्लस एस एड हो जाएगा। वर्ब में एस एड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहां कहां पे यूज होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू इन द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में ट्रू है। जैसे राखी 16 साल की है, राखी इज 16 इयर्स ओल्ड। जैसे आप जितने साल के हैं, जैसे आप यू आर 20 इयर्स ओल्ड, तो यू आर 20 इयर्स ओल्ड, दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। शी लिव्स इन स्पेन, वो स्पेन में रहती है। दिस ऑल दिस इज ट्रू इन द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में सच है, जो कि प्रेजेंट में हो रहा है। I am a teacher, मैं teacher हूँ, right? So this is all present simple. Okay, जो something that happens again and again in the present, जैसे आप बार बार जिस चीज को present में दोहरा रहे हैं, जैसे I play badminton every weekend, मैं हर weekend पे badminton खेलती हूँ, right? तो ये present में मैं बार बार इस action को दोहरा रही हूँ। एवरी वीकेंड मतलब हर सैटरडे और संडे को मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ। सो आई प्ले बैडमिंटन एवरी वीकेंड। ओके, नेक्स्ट इज आई समटाइम्स गो टू एम्यूजमेंट पार्क। समटाइम्स आप इसके साथ समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ऑफन भी यूज कर सकते हैं। लाइक आई समटाइम्स गो टू द एम्यूजमेंट पार्क, मैं कभी कभी एम्यूजमेंट पार्क जाती हूँ, राइट? तो इस एक्शन को भी आप दोहरा रहे हैं, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। इसका मतलब है कि आप हर वीकेंड पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कभी कभी जा रहे हैं एम्यूजमेंट पार्क में। ओके, एंड आई नेवर प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल कभी नहीं खेलती हूँ। सो आई नेवर प्ले बास्केटबॉल, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर नेवर आ गया, लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन। Sometimes
never, always, and often. Right? You can use these words in present simple tense. Okay. Next is something that is fixed in the future. जैसे कि the semester starts in July. जो already जो चीजें जो action already fixed है, जैसे कि school July में दोबारा से start होगी. This action is fixed. Okay? So यहाँ पे आप present simple tense use करोगे. The semester starts in July. अगर कोई आप program को या किसी course में आपने enroll किया है and वो semester जुलाई में स्टार्ट होने वाला है तो जुलाई नेक्स्ट मंथ है बट देन यू वुड से सेमेस्टर स्टार्ट्स इन जुलाई. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फिक्स्ड. ओके द फ्लाइट इज एट 5 PM. दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस को और कहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू. जैसे कि the adult human body contains 206 bones means adult human body में 206 bones हैं. So यहाँ पे हम लोग present simple tense use कर रहे हैं. Okay, this is always true. Okay. अब हम question forms की बात करेंगे. Question forms present simple tense में हम लोग questions कैसे form करेंगे? दो तरह के questions होते हैं. एक होता है जिनका आंसर सिर्फ यस एंड नो होता है, हाँ या ना के उत्तर वाले, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे. क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए हमें डज या डू लगाना पड़ेगा. ओके, डज या डू. डज कहाँ लगेगा? डज लगेगा ही शी इट के साथ. ओके, एंड डू लगेगा ऑल अदर्स के साथ जैसे I, you, we and they. Okay. For example, does he work in Delhi? तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे he, यहाँ पे subject है he. So he, she, it, third person singular के साथ हम लोग does लगाए. Okay. So does he work in Delhi? क्या वो Delhi में काम करता है? तो यहाँ पे does plus subject which is he plus infinitive means verb ki base form. Verb hai. As it is iski form lag jayegi. Kyunki yahan pe does aa gaya, yahan pe s nahi lagega. Okay, so does he work in Delhi? Ye hamara question hai. Next example is does Chris play basketball? क्या क्रिस बास्केटबॉल खेलता है? दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल. ये भी यस नो वाला क्वेश्चन है. ओके, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं. अच्छा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स वेयर व्हाट एंड व्हाई की. मींस कहां, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें हमें कहां यूज करना है, कहां, क्या या फिर क्यों. इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ be, do or does lagega. Okay, where do you live? Example, where do you live? Aap kahan pe rehte hain? Okay, next is what is your name? Aapka naam kya hai? Okay, so these are two examples. I hope this is clear. Now let's see some examples of the question word who. Who works in the institute? Institute में कौन काम करता है? यहाँ पे who कौन के लिए यूज हुआ है. This is the subject और यहाँ पे works, यहाँ पे verb के साथ s add हो गया है. Third person singular form वाले verb की form use हुई है. So who works in the institute? Next is who lives in London? इसमें भी exactly same. यहाँ पे वर्ब फॉर्म, यहाँ पे डू और डज नॉट की जरूरत नहीं है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट हियर. यहाँ पे वर्ब के साथ लंदन में कौन रहता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. तो हु के साथ जो कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब की जो वर्ब की फॉर्म आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हो, ही शी इट के साथ,
एग्जैक्टली सेम फॉर्म हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, एस फॉर्म वर्ब की. सो हु लिव्स इन लंदन, लंदन में कौन रहता है, बिकॉज ऑफ हु, हु इज द सब्जेक्ट. ओके ओके, नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे यूज करते हैं. ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग डू नॉट एंड डज नॉट यूज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, एक्सेप्ट टू बी वर्ब और मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, माइट, शुड एटसेट्रा, इनके साथ हम लोग डू नॉट एंड डज नॉट यूज नहीं करते. ओके, डज नॉट कहाँ यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ, विच इज ही, शी, इट. ओके, एंड डू नॉट कहाँ यूज होता है, आई, यू, वी एंड दे के साथ डू नॉट यूज होता है. नाउ सम एग्जाम्पल्स, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में नहीं रहता, तो ही के साथ डज नॉट. ओके, ही डज नॉट, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली. शी डज नॉट ड्राइव टू होम, वो घर ड्राइव करके नहीं जाती. ओके, दे डू नॉट वर्क ऑन द वीकेंड्स, दे के साथ डू नॉट यूज हुआ है, वो वीकेंड्स पर काम नहीं करते. वी डू नॉट लिव इन लंदन नाउ, हम लोग अब लंदन में नहीं रहते. आई डू नॉट प्ले पियानो, मैं पियानो प्ले नहीं करती. ओके, सो नाउ वी हैव कवर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, नाउ इट्स द एक्सरसाइज टाइम. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. ही स्टडी इन लंदन और ही स्टडीज इन लंदन, विच वन इज करेक्ट? यस, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ही, शी, इट थर्ड फॉर्म के साथ वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, राइट? वी एड एस हियर, स्टडीज इन लंदन. और स्टडी ये किसके साथ आएगा? दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्फिनिटिव फॉर्म. ये किसके साथ आता है? ये आता है आई, यू, वी या दे. ओके, इनके साथ वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आएगी. सो नाउ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टडी इन लंदन एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, डज ही स्टडी इन लंदन? क्वेश्चन मार्क. सो विच वन इज करेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस आप यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन फॉर्म क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज लगेगा. यहाँ पे हम येस और नो वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके लिए इधर विल यूज डू और डज. सो डज ही स्टडी इन लंदन? दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस बनाइए और प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख लीजिए. विल रिव्यू एज सून एज पॉसिबल. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.